किशनगंज जिला में चल रहे सेक्स रैकेट के मामले को लेकर दर्जन भर से अधिक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कई नामी गिरामी लोगों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इस गिरोह में दिल्ली से लेकर किशनगंज तक की लड़की शामिल है। लड़की के द्वारा दलाल के माध्यम से मोटी रकम वसूल की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सांसद प्रतिनिधि सहित स्थानीय कई जनप्रतिनिधि ने बताया कि यह घटना जिले की छवि को खराब करता है। इसमें कई बड़ी हस्ती भी शामिल है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस मामले को संज्ञान में आने पर भी थाने से छोड़ दिया, जो कि ऊंची रसूख को दर्शाता है। वहीं सोशल मीडिया में आरोपी के एक परिजन ने अपना वीडियो वायरल कर ऐसे अत्याचार पर कार्रवाई की मांग करते हुए देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सामने आया है जहाँ एक महिला, एक से दो महिला है जो अभियुक्त को फंसा कर जैसे मोटी रकम बताते माना जाता है। इस तरह का मामला किशनगंज टाउन थाना में प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है और अनुसंधान उसका त्वरित गति से करने के लिए हमारे स्तर से निर्देशित किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कांड का पर्यवेक्षण करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसमें धाराओं का और अभियुक्तिकरण पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। इसमें धाराओं में अगर परिवर्तन होता है तो जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो किया जाएगा। अभी उनको नोटिस दे करके बुलाने का कहा गया है। अगर वो नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशंस को अभियुक्त फुलफिल नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी का जो दिशा निर्देश है वो दिया जाएगा। इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से हमारा अपील भी है कि इस प्रकार का जो ऑब्सीन कंटेंट है उसको प्रसारित करना कानूनन अपराध है, तो इसको कृपया इसको प्रसारित ना करें। और हम लोगों के संज्ञान में यह पूरा मामला है, इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सदस्य में कितने लोग शामिल है सर? ये जो प्राथमिकी है उसमें 5 लोगों का नाम दिया गया है, बट अभी अनुसंधान चल रहा है। 21 तारीख को FIR दर्ज हुआ है, तो जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे नियम संगत कार्रवाई। सर इसमें एक्सटेंशन का धारा नहीं लगाया गया है, वो सारे धाराओं का समावेश होगा। किस परिस्थिति में धारा नहीं लगा है यह कारण परीक्षा भी किया जाएगा संबंधित से, और अगर जो दोषी पाए जाएंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना? कल से जो है लगातार सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि ये सेक्स स्कैंडल का जो है पर्दाफाश किया गया है, जिसमें ये पता चला है कि 3 दिन पहले जो है कुछ लोगों का नाम आया था, जो आवेदन दिया गया उसकी गिरफ्तारी भी हुई, और पता नहीं क्या मजबूरी थी या क्या कारण था जिला प्रशासन ने उसे फिर छोड़ दिया। लेकिन ऐसे मामले में तो प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा जिला जो है बदनाम हो रहा है और आने वाले जो भविष्य है, जो हमारे जो पीढ़ी है वो भी इस तरह सोशल मीडिया में रहते हैं, वो देखते हैं, उनके तरफ भी गलत मतलब उनको जो है एक उनका जो सोच है वो भी कहेंगे कि हमारा जो ये है सब जिला में क्या हो रहा है। इसीलिए जो मैं कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसे किसी जनप्रतिनिधि का संरक्षण भी है तो वो जनप्रतिनिधि पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। ये लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, कई हमारे जो है ज़िले के ही लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं और उसे फंसाया गया है, पूरी तरह से प्लानिंग है ये। और इस तरह से किसी को फंसाना, उससे मोटी रकम ऐंठना, ये तो कहीं से भी अच्छा नहीं है और सम्मान के साथ लोगों को खेला जा रहा है, जिससे किशनगंज बदनाम हो रहा है। तो इसमें कोई VIP भी शामिल है क्या, इस तरह से लग रहा है? ये तो जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई जांच करे, जांच का विषय है, क्योंकि अगर कोई VIP नहीं है तो फिर बिना पैरवी के, बिना VIP के पैरवी के अरेस्ट करना और छोड़ देना, ये तो समस्या पर है। इसमें मैं यही कहूँगा, कोई भी VIP हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह के मामले में जो है किसी को बखसना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई।